दोस्तों, ये हमारी हुंडई 215 और आज कर रहे हैं इसमें हम कूलेंट चेंज, क्योंकि हमने इसमें नया इंजन रखा है। तो कैसे कूलेंट चेंज करते हैं, हमने तीन चार दिन पानी के साथ इंजन चलाया, नॉर्मल पानी के साथ। तो अभी कोई हमारा वाटर और ऑयल मिक्स नहीं हुआ किसी कारण से भी, तो उसी चेकिंग के लिए मैंने तीन चार दिन ये चलाई थी। अब हम कूलेंट मिक्स कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर होती है, तो ये रेडिएटर के बिल्कुल नीचे ये प्लास्टिक की जो टूटी दिख रही है, ये वो वाली, इसको खोलेंगे तो सारा का सारा पानी बाहर निकल आएगा। और फिर ऊपर से हम इसमें कूलेंट ऐड करेंगे, तो अभी दिखाते हैं। ओके, ओपन। ये जो रेडिएटर, ये देखो पुराना पानी सब बाहर निकलने लग गया। बस इसकी जो टूटी हमने खोली थी टैप, इसको वापस से हम कर देंगे बंद, और ऊपर से कूलेंट इसमें ऐड करेंगे 215 में, 210 में, 220 में, लगभग लगभग तीनों मशीनों में 30 से लेके 35 लीटर तक कूलेंट रहता है अलग अलग। ये हमने कूलेंट ला के रखा हुआ प्रीमिक्स बोले तो एक कूलेंट होता है के उसमें लिखा होता है जैसे जी 50-50, मतलब 50% कूलेंट डालो, 50% पानी डालो। प्रीमिक्स होता है, पहले से ही मिक्स है ये, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ओपन और रेडिएटर के अंदर ऐड कर देना हमने। तो हमने मंगा रखा है जी 5 के 30 लीटर लगभग 30 थोड़ा कम है ये। तो इसको आज हम चेंज कर देंगे, इसमें सिर्फ अब ऐड करना है। दिखाते हैं आपको, ऐसे होता है कूलेंट चेंज। तो देखो जी नीचे निकल रहा है पानी, जैसे ही ख़त्म होगा हमने ये टूटी कर देनी है बंद, और उसके बाद इसमें कूलेंट ऐड करेंगे। वैसे कूलेंट कितने घंटे पे चेंज करना चाहिए, टेक्निकली 2,500 घंटे अगर कूलेंट एक चल चुका है फिर उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि चलने के कारण जब सारा दिन कूलेंट इंजन और रेडर के बीच में दरमियान घूमता है, तो 2,000-2,500 घंटे के बाद थोड़ी बहुत गाद कह लो या रस्ट, कुछ ना कुछ तो बनता ही है अंदर, तो वो निकल जाए उसके बाद दोबारा से नया ऐड कर दो, अच्छा रहता है। ये होती है जी जो हमने नीचे से टैप खोल लिया, सिर्फ हाथ से खुल जाती है, और ये जो रबड़ की सील है ऑरेंज से कलर की, ये ही पानी को पीछे रोक के रखती है। जैसे इसको हम पीछे हटाते हैं खोल के, सारा का सारा पानी या कूलेंट जो भी निकल जाएगा, और उसके बाद इसको हम दोबारा कर देंगे और दोबारा से नवा कूलेंट ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमने नीचे से कर दिया टूटी बंद, देखो लड़का कर रहा है, और अब इसमें हम एब्रो कंपनी का कूलेंट है प्रीमिक्स एंटी रस्ट फॉर्मूला, ये ऐड करेंगे और फिर अपनी मशीन चला के देखेंगे। तो जी इसको करते हैं ऐड, इसकी खोल देते हैं सील, ओके टेक इट इनसाइड वन बाय वन। तो ऐसे ही जी हम सारा के सारा ये कूलेंट ऐड कर देंगे इसमें, तो इसके सारे की वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं। तो ऐसे होता है जी मशीनों में कूलेंट चेंज, और लगभग 2,000+ घंटे के बाद चेंज कर देना चाहिए। हमने तो इसलिए किया क्योंकि हमने इंजन नया रखा था, पुराना इंजन को खोलने के टाइम कूलेंट हमने पुराना निकाल ही दिया था। तो अभी 2 दिन इंजन चल के कोई लीकेज नहीं कुछ नहीं, तो आज इसमें हम कूलेंट ऐड कर रहे हैं। ओके जी धन्यवाद, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।